पर वो सरस्वती चंद्र के बारे में क्यों जानना चाहते हैं? इंस्पेक्टर सोलंकी की वजह से। इंस्पेक्टर सोलंकी ने प्रमाद को सरस्वती चंद्र के बारे में बताया। बस सरस। इतना भरोसा है इसकी आंखों में जिसे कोई नहीं हिला सकता। ऐसा ही भरोसा मुझे उस कुमुद की आंखों में भी दिखता है। चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी हालात क्यों ना हो, ये लोग कैसे अपने फैसले पे बने रहते? कहां से मिलती है ये हिम्मत? मेरे पास क्यों नहीं है ये हिम्मत? खिर के भाव सोने के, मैंने तो सोचा था कि नवीन जी और छोटे सेठ की लड़ाई में जीत मेरी होगी। पर यहाँ तो नवीन जी ने छोटे सेठ की गाड़ी पटरी पे से उतार दी। नहीं कलिका, बातों से काम नहीं चलेगा। छोटे सेठ को दिखाना होगा कि उनकी बीवी नवीन जी की नजरें एक जैसी क्यों है। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। और अब ना ही मेरी जिम्मेदारी है तुम पर। मेरी लड़ाई मुझे लड़ने दो, तुम बस यहां से चले जाओ। नहीं सरस, मैं अपने हाथ तुम्हारे खून से नहीं रख सकती। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, अब अगर मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो चले जाओ यहां से। चले जाओ। कालिका, जी मैंने कहा था ना तुमसे कि इनका कोई भी काम होगा वो मैं करूंगी। उन्हें क्या देना है क्या नहीं ये मैं तय करूंगी। जी वो छोटी सी मुझसे मांग रहे थे और तुम ले आए, याद है ना तुम्हें? मेरे पैरों पर गिरकर रोई थी तुम कि मेरा मंगलसूत्र सिर्फ मेरा है और इस पर जो दाग लगा है वो तुम साफ करके दोगी। जी वो याद है मुझे, पर आप सब नवीन जी का ख्याल रखते तो मैंने सोचा कि सोचने के बजाय अगर काम पर ध्यान दोगी तो ज्यादा अच्छा होगा तुम्हारे लिए। जाओ यहां से। मेरा एक राज क्या जान गई, इसलिए अपने इशारों में न चाहिए मुझे। अब मुझे भी जल्द से जल्द इसका एक राज ढूंढना होगा जो नवीन जी के कमरे में छुपा है। पर आपने जीजा जी को सरस्वती चंद्र के बारे में क्या बताया? कुछ नहीं, क्योंकि सरस्वती चंद्र को हुकूमत की जिंदगी में आने का कोई हक नहीं है। पर क्या आपको नहीं लगता कि जीजा जी ने भले ही अनजान आदमी समझकर आप पर गुस्सा उतारा,
लेकिन भगवान ने नहीं। वो तो सब जानते हैं कि तुमने दीदी के साथ क्या किया। शायद उसी की सजा मिल रही है तुमको। ऐसा क्यों लगता है नवीन जी कि मैं आपका एक धागा खींच लूंगी तो मेरी जिंदगी में बड़े हर कांट खुल जाएंगे। एक ही सपना देखा था मैंने बचपन से कि मैं उस कमरे में रहूं जिसमें बहू रानी रहती है, वो भी मेरा रास्ता काट के। सब कुछ ठीक हो जाता, बहू रानी इस घर में नहीं आती। अगर छोटी सेठ कह देते कि मैं करीका से प्यार करता हूँ, किसी के साथ रहना चाहता हूँ, पर उनकी हिम्मत नहीं आई। वो तो खुद अपने घर में मुंह छुपाते हुए फिरते हैं। ये किसकी कान की बाली है नवीन जी, तो आपने इतनी संभाल। मेरे ना कान का गिर गया तो मैं ढूंढ रही थी यहाँ। घर में इतना काम पड़ा हुआ है और तू यहाँ बैठ के आराम फरमा रही है। जा जल्दी से, जा जल्दी जाके देख उधर कितना काम पड़ा हुआ है। जी पर जब वो दीदी को अपनाना ही नहीं चाहते तो उनकी पिछली जिंदगी के बारे में क्यों जानना चाहते हैं वो? क्या उन्हें इस बात से फर्क पड़ता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जानने के बाद कि दीदी किसी और से प्यार करती थी उन्हें जलन हो रही हो? दिल तब जलता है जब उसमें किसी के लिए जगह होती है। वो आदमी किसी को अपना नहीं मानता। फिर क्यों वो तुम्हारे बारे में जानने की इतनी जिद कर रहे हैं? और वो भी ऐसे कि तुम्हारे ऊपर हाथ उठा दिया उन्होंने? उसने हाथ मुझ पे इसलिए उठाया क्योंकि वो एक कमजोर इंसान, वो खुद से नहीं लड़ सकता, इसलिए वो शराब में डूबा रहता है। कुमुद को भी नहीं अपना रहा क्योंकि खुद ही अंदर से टूट चुका है। आप भी तो टूट चुके थे ना। इसलिए मेरी दीदी से रिश्ता तोड़ दिया था आपने, फिर भी उनसे प्यार करने का दावा करते रहे क्यों? हो सकता है कि जीजा जी को भी दीदी से लगाव हो गया हो और इस बात का एहसास उन्हें खुद भी ना हो। हो सकता है, शायद मेरी तरह वो भी अपने दिल की नहीं सुन पा रहा। कुमुद अब भी अपने मंगेतर को भूली नहीं, शायद ये बात उसे चुप रही है। अगर अब ये बात मैं प्रमाद को समझाऊंगा। शायद दीदी सही कह रही है, आपको यहां से चले जाना चाहिए। नहीं कुसुम, मुझे कुमुद से और अपनी मां से किया हुआ वादा पूरा करना है। कुमुद और प्रमाद को पास लाकर ही मैं यहां से जाऊंगा। कुमुद की खुशियों के बदले मैंने अपनी जिंदगी भगवान के पास गिरवी रख दी है और इस बार वो मुझे धोखा नहीं दे सकते। सरस्वती चंद्र जीते जी मर चुका है, मगर प्रमाद और कुमुद को पास लाने के लिए अगर सरस्वती चंद्र को फिर से जन्म लेना पड़े
बोलने का